समस्त सदस्यों को मेरा कोटि-कोटि अभिवादन। मैं स्नेह से प्राथमिक विद्यालय मुजहरीकोट विकास खंड पावन हरदोई से। कहानी जीवन का अभिन्न हिस्सा है। कहानी न हमें केवल ज्ञान या आनंद प्रदान करती है, अपितु जीवन के नैतिक मूल्यों की व्यवहारिक शिक्षा भी प्रदान करती है। कहानियां मनोरंजन के साथ साथ हमारे जीवन से जुड़े समस्त अनुभवों को एक नई दिशा देती है। और मुझे अपना बचपन याद है, और आप सभी को याद होगा, जैसे हम लोग की दादी नानी से हम लोग जो कहानियां सुनते थे उनका प्रभाव कितना स्थिर। तो आज में जो आज की थीम है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, यही संकल्पना है। और इसी थीम के अंतर्गत मैंने जो अपनी कहानी का चयन किया है और उसका शीर्षक है एकता में शक्ति। बहुत पुरानी बात है, जब प्राचीन समय में गुरुकुल हुआ करते थे और गुरु के आश्रम में रहकर शिष्य गुरु की सेवा करते थे और अपना संपूर्ण जीवन गुरु के लिए समर्पित था। तो गुरु अपने शिष्यों को बहुत अच्छे से अच्छी बेहतर शिक्षा प्रदान करते थे, परंतु उन्होंने देखा कि उन शिष्यों में आपस में छोटी छोटी बातों पर बहुत लड़ाई होती है, बच्चों की तरह से, कि मैं तुमसे बेहतर हूँ, मैं आपसे अच्छा हूँ। ये देखकर गुरु को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि समय रहते मैंने इनको सावधान नहीं किया तो इस प्रतिभा का हनन हो जाएगा। ये प्रतिभा जो राष्ट्र की धरोहर है, ये पूर्ण तरह से छिन्न भिन्न हो जाएगा। इसे तो उन्होंने एक उपाय सोचा और अपने शिष्यों को कहा कि कल एक सत्संग है और हम सबको वहाँ चलना है। सभी शिष्यों ने अपनी सहमति प्रदान की। अगले दिन गुरु शिष्यों के साथ सत्संग के लिए चल पड़े। जहाँ पर सत्संग हो रहा था, सर्दी के दिन थे, जैसे ये जो अपना मौसम चल रहा है समय कपाती सर्दी, और उस सत्संग के बीच में अंगीठी चल रही थी। उस अंगीठी में दहकते अंगारे लाल लाल, वो मानो दूर से ही कहीं अग्नि दे रहे हो, थोड़ा सा राहत महसूस हो रही थी। और ऋषि ने अपने शिष्यों से कहा, देखो कितनी सुंदर अंगीठी जल रही है। और सभी शिष्यों ने कहा हाँ गुरु। उसके बाद में गुरु ने पुनः कहा, ये देखो अमुक अंगारा कितना सुंदर जल रहा है और कितनी तेजी है इसमें, कितना लौ, कितना अग्नि, तो इसका लाभ तो मुझे उठाना चाहिए। और इस तरह से उन्होंने इस अंगीठी से इस अंगारे को लाके गुरु के समीप रख दिया। परंतु यह क्या, धीरे धीरे जो जलता हुआ लाल अंगारा था वो एकदम उस पर राख की परत से जम गई और वो जरा ही देर में काला पड़ गया। तो गुरु ने कहा कि बच्चों, ये मुझे अंगीठी को देखो, मुझे कोयले की तरह से नहीं बनना है। आप सबको इस अंगीठी में जब सारे कोयले जल रहे थे एक साथ, तो उसमें कितनी लौ और अग्नि थी। जहां उस कोयले को अलग किया गया वहीं पर उसका अस्तित्व नष्ट हो गया, उसका ताप, उसकी गर्मी, उसकी जो दहकती हुई अग्नि थी, सब नष्ट हो गई। तो इस तरह से ये परिवार और राष्ट्र देश एक अंगीठी की तरह है और हम सबको मिलकर कोयले की तरह से संगीठी में जलना है, अलग अलग नहीं रहना है। जिस प्रकार से एक माली जो है अपने उपवन में तरह तरह के फूलों को, लेकिन वो विविध फूल मिलकर एक बगिया का निर्माण करते हैं, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो कल्पना की थी, जिस एक अखंड भारत का निर्माण किया था, हमें उसके लिए जो हमारी धमनियों में रक्त दौड़ रहा है वो सबका लाज है। अतः हमें ये संदेश देती है कि एकता में शक्ति है, एक उंगली अलग लेकिन जब वही मुट्ठी बन जाते हैं इंडिया बनकर, तो उनकी ताकत अलग होती है। धन्यवाद।